हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी का केक, वो भी बेकरी स्टैंड में। तो चले एंड तक बने रहेगा वीडियो में, जिससे आपको पूरी रेसिपी समझ में आए केक की। तो चले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये देखिए, मेरे पास है 2 कप सूजी। बारीक वाली सूजी थी, तब भी मैंने इसको एक बार ग्राइंड कर लिया है, ये पीस लिया है। और उसके बाद हम एक बाउल ले लेंगे बड़ा, उसमें डालेंगे 1/4 कप। खट्टा नहीं होना चाहिए हमारा दही, ये ध्यान रखें। और 2 टेबलस्पून हमारे पास यहाँ पे ऑयल है। कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल आप ना यूज़ करें, इसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चीनी है 3 टेबलस्पून। आप ज़्यादा चीनी डालना चाहें आप ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है मीठा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत मीठा ही पसंद होता है। उसके बाद हम इससे फेंट लेंगे, ये आपके घर में आराम से अवेलेबल होगा। तो आप इसे अच्छे से फेंट लें, या कोई स्पैचुला ले लें, उससे भी काम चल सकता है। तो उसके बाद जो हमने सूजी पीस के रखी थी, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले एक बारी में डालेंगे, इकट्ठा हमें नहीं डालना है सूजी को। पहले हाफ हमने डाली, यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे से। बस आपको ये ध्यान रखना है कोई भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और अब हम यहाँ पर दोबारा डाल देंगे। चलाएंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे 1 कप दूध है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। और अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो देखें, अच्छे से फिट चुकी है। और अब हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने इस बारे ऐड किया है क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर ये देगा हमारे केक को। उसके बाद हम थोड़ा सा दूध इसमें और डाल देंगे, सिर्फ एक फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो ये आपके डिपेंड है। तो देखें, हमारे मिक्सचर जो है बिल्कुल बन के रेडी है। और जिस टाइप से मैं यहाँ पे हाथ को घुमा रही हूँ, आप उस टाइप से हाथ को या अपने स्पैचुला को ऐसे घुमाएं, तो बहुत अच्छा ये तैयार होता है हमारा बैटर, फ्लफी सा। और इसके बाद एक बार और चला देंगे। कंसिस्टेंसी देखें, पतली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, और हम इसे कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए, जिससे अच्छे से फूल जाए सूजी हमारी। और यहाँ पे हमारे पास है बारीक कटे हुए बादाम, आलमंड्स, और यहाँ पे मेरे पास है पिस्ता बारीक कटे हुए, ये टूटी फ्रूटी हैं, और ये मेरे पास किशमिश है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक बाउल ले लेंगे बड़ा बाउल, उसमें ये टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने से ये होगा कि एक कोडिंग चढ़ जाएगी उसके ऊपर मैदा की, तो एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं, टूटी फ्रूटी सेपरेट सेपरेट हमारी केक में दिखेंगी। तो देखें, ये तैयार हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी जो थी वो अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है, हल्की सी फूल गई है। 15 मिनट से ज़्यादा ना रखें। और हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी टूटी फ्रूटी, मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आप मैदा इसमें थोड़ी सी डस्ट करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और आधे चम्मच से भी थोड़ा सा 1/2 बेकिंग सोडा। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे दूध और ऐड कर देंगे इसके ऊपर से, जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है। दूध डालने से और सोडा डालने से हल्का सा ये फ्लफ़ी और होगा। इस मारे हमने दूध ऊपर से डाला है थोड़ा सा, ज़्यादा दूध ना डालें। अच्छे से चलाएंगे दोनों चीज़ों को, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए ये। और जो बाकी का हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था 1 टीस्पून के करीब होगा, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी मिल्क की यहाँ पे है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इलायची का पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, हमारे पास हैं आलमंड्स, पिस्ता और किशमिश।
मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को अच्छे से। अगर आप किशमिश यहाँ पे ऐड ना करें तो आप इसके जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 6 इंच का था मोल्ड, इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। तो देखें ग्रीस ये अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसके शेप का काट लिया था बटर पेपर। बटर पेपर आपके पास नहीं हो तो आप मैदा भी डस्ट कर लें। आप मेरी पहले वीडियोस में जाकर देख लें कि मैंने मैदा कैसे डस्ट करी मोल्ड्स में, चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बैटर जो हमारा तैयार था बिल्कुल बन के। कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही होनी चाहिए हमारी, ज़्यादा पतला होगा तो हमारा केक जो होगा फूलेगा नहीं। ऊपर से थोड़ी टूटी फूटी ऐड कर देंगे, थोड़े से हम ऊपर से ऐड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हैं क्योंकि एक अच्छा सा लुक देता है, बहुत दूर से देखने में अच्छा लगेगा कि हमारा केक के बहुत शानदार बना है, तो आप ज़रूर डालें। तो देखें ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर डल चुके हैं। अगर आप इसमें काशू नट्स डालना चाहें तो आप काशू नट्स भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। हल्का सा ऐसे टैप कर लेंगे। देखें तैयार है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीटेड होने। ये प्री हीटेड हो चुका है। अब बहुत ही केयरफुली हमने यहाँ रख दिया है केक, क्योंकि बहुत हीट निकल रही थी, तो अच्छे से रखें आपको हाथ वाथ ना जले। तो अब हम इसे कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल। तो 1 घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। देखते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं हमारे केक के। तो केक माशाल्लाह बनके बहुत अच्छे से रेडी है हमारा। तो देखें मेरा तो पूरा 1 घंटा यहाँ पे लगा है। आपका 1 घंटा थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लग सकता है, क्योंकि पता नहीं कि आप लोगों के मोल्ड्स किस टाइप के हैं। सूजी अलग अलग वेराइटीज़ की आती हैं, कौन सी सूजी ज़्यादा टाइम ले बेक होने में, तो सिर्फ यही पॉइंट पे आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। मैंने बीच बीच में इसे चेक करा है, आप भी चेक करें। तो देखिए टूथपिक की मदद से यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक निकल के आई है। इसका मतलब ये है कि परफेक्टली बेक हुआ है। बहुत ही केयरफुली आराम से ग्लव्स पहन के निकालें केक को, हाथ ना चले। तो देखिए निकल चुका है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका था। ध्यान रखें केक आपको जब ठंडा हो जाए तभी आप इसे डीमोल्ड करें, उससे पहले ना करें। तो देखिए मेरा केक ठंडा हो चुका था, हल्का टैप टैप मैंने किया, यहाँ पे परफेक्टली निकल के आ गया है। बटर पेपर इसका हटा देंगे और देखें बहुत ही अच्छा हमारा केक लग रहा है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। कोई कह नहीं सकता कि इसे हमने घर में बनाया है। देखिए चारों ओर से आप इसे देखें, बहुत अच्छे से बेक हुआ है हमारा केक। बिना ओवन के हमने इस केक को अपने पैन में बनाया, आप कढ़ाई में बनाएं, कुकर में बनाएं, जो आपके पास है आपके पास उसमें बनाएं। तो देखें अब हम इसे कट करके दिखाएंगे आपको कितना फ्लफी और स्पॉन्जी केक हमारा बना है। कटने से ही पता चल जाता है कि बना कैसा है। तो देखें कितने आराम से ईजिली हमारे केक कट गया है, और देखें एक पीस मैं आपको दिखाऊँगी। ये तो देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी सॉफ्ट हमारा केक बन के यहाँ पर रेडी हुआ है। कहीं से भी कच्चा नहीं है हमारा केक, बीच में से भी बहुत अच्छे से पका है, साइड कॉर्नर्स भी अच्छे से पके हैं, कहीं से हमारा केक कच्चा नहीं है। बहुत बढ़िया अच्छा हमारा केक कुक हुआ है यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। व्यूअर्स चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेस करें बेल आइकन को जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। Till then, take care, bye bye, and love you all. So, खाइए, बनाइए, enjoy करिए अपनी life को मजे से, bye bye.